हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। सो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना, डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि ये हमारा कौन सा है, चैप्टर 10 है ना, उसमें देखते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके बुक से, मैंने पिक किया है ना, उसमें देखते हैं हम। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पैटर्न मैंने एक सेट किया है जो आपके काम आ सकता है ना। तो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहला हमारा क्या दिया है। एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ, एडोलसेंस कौन सा पीरियड होता है, एडोलसेंस को क्या बोलते हैं, किशोरावस्था भी बोलते हैं ना, ये कौन सा पीरियड होता है, मतलब कि कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है कि कौन सा टाइम होता है जिस टाइम पे लोग जो होते हैं वो फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं, है ना। तो ये तुम्हारा 11 to 19 का जो पीरियड होता है ना, इसी को ये क्या बोलते हैं एडोलसेंस बोलते हैं, है ना। और इसी टाइम पे क्या होता है, बॉय है या फिर गर्ल है ना, बॉय या फिर तुम्हारी गर्ल है, वो गर्ल्स है, बॉयज है या गर्ल्स है, ये दोनों क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, है ना, इसी को क्या हो जाता है, एडोलसेंस बोला जाता है। तो इसका पीरियड कौन सा होता है, मतलब किस टाइम पे एडोलसेंस, मतलब जो पीरियड होता है कौन से एज से कौन से एज तक होता है ना, तो 11 to 15 तक का होता है, ठीक है, इस वाले पीरियड को क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन अ स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम फ्यूज विद द ओवम द चाइल्ड बॉर्न विल द, देखो इसमें क्या है, मैं आप लोगों को बताई थी पहले भी क्लास में, मैंने समझाया था कि क्या होता है, एक्स एक्स मीन्स होता है गर्ल और एक्स वाई मीन होता है बॉय, है ना। तो इसमें क्या होता है, मान लो एक्स फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम, मेल का एक वाई क्रोमोसोम जब मिलता है तो एक्स वाई होता है ना, इसे क्या बनता है, बॉय बनता है। वैसी गर्ल का एक क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम, और बॉय का भी एक होता है एक्स क्रोमोसोम, दोनों जब मिलता है तो एक्स एक्स बनता है, मतलब कि क्या होता है, होती है गर्ल होती है। तो यहाँ पे दिया है स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम, मतलब बॉय के पास कौन सा है, सॉरी बॉय के पास कौन सा है, एक्स क्रोमोसोम, और गर्ल के पास ऑलरेडी रहता है एक्स क्रोमोसोम, जब दोनों मिलेंगे तो एक्स एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स मतलब क्या होगा, फीमेल, समझ आया। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट दिया है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स, तो कितना होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो कितना होता है, 23 के पेयर में होता है। इसके बाद है, चिल्ड्रन गेन हाइट ड्यूरिंग, चिल्ड्रन जो है वो हाइट कब, कौन से टाइम पे गेन करते हैं ना, तो ये हमारा क्या है, एडोलसेंस के पीरियड में क्या करते हैं, वो हाइट गेन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेस्टिस सिक्रेट, टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, टेस्टिस जो है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो वो कौन सा रिलीज करता है, तो वो करता है टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन वो क्या करता है, रिलीज करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद आगे है एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल इसके बारे में भी हमारे बुक में दिया हुआ है ना, ये क्या होता है, लैरिंग्स जो होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना, बॉयज में एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें कि जब वो बॉयज जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, तो क्या होता है, उनका लैरिंग्स जो होता है वो बड़ा हो जाता है, इसी को ही क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं, और यही क्या होता है, इनलार्ज लैरिंग्स होता है, लैरिंग जब बड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं, ओके। देन इसके बाद आगे हम देखते हैं, द केमिकल सब्सटेंस विच आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड, जो केमिकल सब्सटेंस होता है और वो कहाँ से सिक्रेट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। हमको पता है ना केमिकल सब्सटेंस होता है हार्मोन, और कहाँ से रिलीज होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, ये रिलीज होता है बेटा, ओके। देन इसके बाद आगे है, What is the stoppage of menstrual cycle, menstruation called, है ना, menstrual cycle बोलते हैं, और ये क्या है तुम्हारा, menstruation, menstruation क्या होता है, देखो जब girls जो होती हैं वो capable हो जाती हैं, है ना, reproduction के लिए, एक ऐसा time होता है जब girls जो होती है capable होती है reproduction के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, menarche बोलते हैं, क्या बोलते हैं, menarche, जो first पीरियड आता है, फर्स्ट बोलते हैं ना अपन, फर्स्ट पीरियड जो गर्ल्स को आता है इसको क्या बोलते हैं, मेनार्चे बोलते हैं। वैसे ही जब जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है ना, मेंस्ट्रुएशन जब स्टॉप होता है तो उसी को क्या बोलते हैं,
मेनोपोज बोलते हैं, समझ आया। और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो स्टार्ट होता है गर्ल्स में पीरियड, वो किस टाइम पे होता है? 11 टू 12 ईयर के बीच में होता है ना। और मेनोपोज जो होता है वो क्या होता है, 45 टू 50 ईयर्स के बीच में होता है। समझ आया इतना? ये मेनोपोज और मेनार्चे के बारे में अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, इस टॉपिक जो होता है मेंस्ट्रुएशन का, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेनोपोज बोलते हैं। क्लियर है? ऑप्शन बी जो है अपना सही आंसर है। क्लियर है? उसके बाद फिर आगे देखते हैं, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है बेटा? तो एड्रिनल ग्लैंड देखो नाम से ही क्लियर है ना, ये क्या लिखा है तुम्हारा, एड्रिनल ग्लैंड लिखा है। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, एड्रिनलिन। क्या रिलीज करेगा, एड्रेनलिन रिलीज करेगा, ठीक है। और हार्मोन मतलब हमने पहले भी पढ़ चुका है ना, हार्मोन क्या होता है। देन इसके बाद अपन आगे देखेंगे, रिप्रोडक्शन एज इन वुमन स्टार्ट व्हेन देयर, क्या होता है, मैंने पहले ही बोला रिप्रोडक्टिव तरीके से क्या होती है, गर्ल्स जो होती है वो प्रिपेयर हो जाती है, मतलब कि जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा तभी क्या होगी, गर्ल्स जो है वो रिप्रोडक्टिव तरीके से क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। तो इसी इसका आंसर होगा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, है ना। देन इसके बाद आगे हम देखते हैं, विच इज मेल गोनड। मेल गोनड कौन सा होता है, हेयर तो है ही नहीं, चेस्ट भी नहीं है, मतलब कुल मिला के क्या है, टेस्टिस जो है वो हमारा आंसर है ना। टेस्टिस जो होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर क्या होता है, गोनड्स होता है। क्लियर है? देन इसके बाद हम देखते हैं आगे, द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड, जब बिगनिंग होता है किसका, मेंस्ट्रुएशन का, है ना। तो जो प्यूबर्टी सॉरी मेंस्ट्रुएशन जो होता है ना, स्टार्ट होता है किस टाइम पे, प्यूबर्टी के एज में, जब लोग क्या हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं ना, तो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, उस वाले टाइम को क्या बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। तो मैं पहले भी बताई थी, स्टार्ट मतलब क्या होता है, मेनार्चे, पीरियड का स्टार्ट होना मतलब कि क्या, मेनार्चे, है ना। पीरियड स्टार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेनार्चे बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जो पीरियड होगा उसको क्या बोलेंगे, मेनार्चे बोलेंगे। आखिरी बार जब पीरियड होगा तो उसको हम बोलेंगे मेनोपोज। उसके बाद क्या होता है, पीरियड आना बंद हो जाता है। समझ आया इतना? कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से इतने में आप लोगों को। देन उसके बाद हम आगे देखते हैं, इन मेल्स द सेक्स क्रोमोजोम कंसिस्ट। सेक्स क्रोमोजोम जो होता है मेल में क्या क्या होता है, तो मैं अभी आपको बताई थी, एक्स एक्स मीन क्या होता है, गर्ल, और एक्स और वाई मीन क्या होता है, बॉय। तो कुल मिला के वही है कि ये कौन सा क्रोमोजोम कंटेन करके रखता है, एक्स और वाई। तो हमारा 1X एंड 1Y आंसर होगा, है ना। देन इसके बाद आगे हम देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन रिक्वायर्ड। हमको पता है कि थायरोक्सिन की जब कमी होती है, मतलब कि आयोडीन की जब कमी होती है, तो सिंपल ग्वाइटर नाम का डिजीज होता है। क्या होता है, ग्वाइटर नाम का डिजीज होता है। तो ये किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। तो आंसर क्या होगा अपना, आयोडीन होगा। प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन के प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी होता है, तो थायरोक्सिन के प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी होता है बेटा, आयोडीन जरूरी होता है। आउट ऑफ दिस विच वन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, जो बेबी का सेक्स होता है ना, जो बच्चा पैदा होने वाला रहता है उसका क्या होता है, सेक्स डिटरमाइन कैसे किया जाता है। हालांकि सेक्स डिटरमिनेशन बैन है, पर अपने को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो सेक्स डिटरमिनेशन जो किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, क्रोमोजोम के थ्रू, है ना। क्रोमोजोम के थ्रू क्या होता है, सेक्स डिटरमिनेशन किया जाता है। तो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, क्रोमोजोम होता है। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया, इसमें हो गया होगा। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे बताएंगे, है ना। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं, सेकंड पैटर्न है अपना वन वर्ड आंसर, है ना। द पीरियड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट, है ना। बच्चे जो रहते हैं चाइल्डहुड, मतलब बच्चों से लेकर एडल्ट तक का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग अभी पढ़े हैं, है ना, एडोलसेंस। क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक मैं क्या बोल रही हूँ, इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं,
द रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है ना, ओवरी जो अपना रहता है ओवरी से, ये मान लो ओवरी है, ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है ना, ओवम रिलीज होता है, इसको अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। इसके बाद फिर द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, फर्स्ट टाइम जब गर्ल्स को पीरियड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा ही था, मेनार्चे बोलते हैं। स्टार्ट जो फर्स्ट टाइम होता है ना उसको बोलते हैं मेनार्चे, है ना। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुएशन तो उसको क्या बोलते हैं, मेनोपोज बोलते हैं। क्लियर था? ये भी अपन बात की थी, इसको क्या बोलते हैं, मेनोपोज बोलते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं द प्रोडक्शन, द सॉरी पानी पी रही थी, द प्रोड्यूसिंग ग्रोथ ऑफ लैरिंग्स इन मेल्स, मेल्स में जो लैरिंग्स का ग्रोथ होता है उसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये अपने को क्लियर था, है ना, एडम्स एप्पल पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। जब लैरिंग्स में क्या हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उस जो स्ट्रक्चर रहता है उसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं, है ना। के बाद फिर आगे है द मिनरल एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन के लिए कौन सा मिनरल कंपोनेंट, मिनरल जो रहता है वो एसेंशियल रहता है, तो पहले भी हम लोग पढ़े थे आयोडीन, और इसी आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है, मैं अभी आप लोग को बताई थी, है ना। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी जिस फेज में आती है उसको क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं, है ना, प्यूबर्टी का फेज उसको बोला जाता है। इसके बाद फिर है व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, मेल में रिलीज होने वाला हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। वैसे ही फीमेल में रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन सा होता है, तो एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है। वैसे ही इसमें वेजाइना जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, इसमें क्या होगा, टेस्टिस और पेनिस जो है वो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, है ना, पेनिस जो है। इसके बाद फिर अपन पढ़ते हैं चिल्ड्रन गेन हाइट ड्यूरिंग इन विच स्टेज, तो हमको पता है कि चिल्ड्रन हाइट जो है, चिल्ड्रन मान लो छोटा है, बड़ा कौन से फेज में होता है, तो एडोलसेंस के फेज में होता है ना, जो स्टेज रहता है उसमें। अब देखते हैं शॉर्ट आंसर हम, है ना, व्हाट इज एडोलसेंस, क्या होता है एडोलसेंस, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव तरीके से क्या होता है, कोई बॉय जो है वो मैच्योर हो जाएगा, है ना, तो इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, गर्ल्स भी आती है ना, गर्ल्स के लिए भी यही एडोलेसेंस ही वर्ड यूज किया जाता है ना। तो ऐसा स्टेज जिसमें कि गर्ल हो या फिर बॉय हो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव तरीके से रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। क्लियर है? देन इसके बाद है व्हाट इज हार्मोन, हार्मोन क्या होता है, द चेंजेस व्हिच ऑकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय अ केमिकल सब्सटेंस नोन एज हार्मोन्स, है ना। तो क्या होता है, हार्मोन जो होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है ना, जो कि एडोलेसेंस के सारे फंक्शन जो होते हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसी को ही क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम आगे देखेंगे व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, इट इज द पीरियड विच इज द पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन अ वुमन ब्लीड्स फ्रॉम हर वजाइना फॉर अ फ्यू डेज। देखो एक्चुअल में मेंस्ट्रुएशन क्या होता है ये अपने को बताना है। हम लोग पहले के भी क्वेश्चन में ये चीज मतलब बात कर चुके हैं इस मैटर में कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है ना, तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें कि क्या होता है, गर्ल्स के वजाइना से, है ना, वजाइना से, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वजाइना से क्या होता है जो है ब्लीडिंग होती है ना, ब्लीडिंग होती है, ब्लड बाहर आता है, उसी को क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन बोलते हैं। समझ आया? इसमें क्या होता है, मेंसुरेशन जो होता है वो मोस्ट जो है वो 3 से 4 डेज का होता है ना, मेंसुरेशन जो होता है वो 28 डेज में क्या होता है, रिपीट होता है। मान लो कोई गर्ल है जिसको कि क्या हुआ, अभी अभी जो है मेंसुरेशन मतलब कि पीरियड हुआ, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो मान लो किसी गर्ल को अभी क्या हुआ, पीरियड हुआ, जैसे कि मान लो मेरी एग्जांपल ले लेते हैं ना, तो इसमें मान लो ऐसा, मान लो मुझे आज पीरियड हुआ, ठीक है, पीरियड हुआ तो ये क्या होगा, 28 डेज का साइकिल होगा, 28 डेज का साइकिल होगा। मान लो आज पीरियड हुआ तो ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के कारण क्या होगा, ब्लड बाहर आएगा,
ठीक है, ब्लड बाहर आया, ब्लड बाहर बाहर आएगा देन क्या होगा, अब ये फिर से रीजनरेट होना शुरू होगा। अभी ये क्या हुआ, डीजनरेट हुआ, अब डीजनरेट होने के बाद ये क्या होगा, रीजनरेट होना शुरू होगा। फिर से 28 डेज के साइकिल में एक नया ओवम जो है वो बनेगा, अब फिर वैसे ही जो है क्या होगा, फिर से जो ब्लीडिंग होगी। समझ आया, मतलब कि फिर से जो है वो पीरियड स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि गर्ल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, पीरियड जो होता है ना वो कभी कभी मिस हो जाता है, या फिर कभी ऐसा रहता है प्रॉपर जो फ्लो रहता है ना उतना ब्लीडिंग जो है वो नहीं हो पाता। वैसे ही ये भी होता है कभी कभी कि मान लो पीरियड आया, नेक्स्ट मंथ जो है वो उतना रेगुलर नहीं हो पाया। तो ये सब का रीजन क्या होता है, तो ये सब का रीजन बहुत लोग क्या होता है इसकी वजह से परेशान हो जाते हैं, पर ये जो होता है वो हमारे ना फिजिकल और मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है ना, जितने तरीके से हम अपना जिस तरीके से अपना डाइट चार्ट अपन यूज कर रहे हैं उस पर ये डिपेंड करता है ना। तो इसके लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत होती नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, है ना। तो ये क्या होता है, 28 डेज का होता है। इस पीरियड में क्या होता है, गर्ल्स में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, कहाँ से, वेजाइना से, ठीक है। और ये 28 डेज का साइकिल होता है, ये 3-4 डेज चलता है, क्लियर है। इसके बाद फिर क्या बताया गया है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। व्हाट इज मेनोपोज, मेनोपोज क्या होता है, द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज टर्म्ड एज मेनोपोज। इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, पीरियड जो होता है वो एक ऐसा एज होता है जिसमें क्या होता है, वो पीरियड जो होता है वो बंद हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने का डे कौन सा है, मतलब किस एज में होता है ये बोल सकते हैं, तो 11-12 या 12-13 में स्टार्ट होता है ना। वैसे ही एक ऐसा टाइम आता है जब पीरियड, गर्ल्स को पीरियड क्या होता है, आना बंद हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं, क्लियर है। और ये होता है कौन से एज में, मोस्ट ऑफ द 45 की एज में हमको देखने को मिलता है। समझ आया, देन इसके बाद आगे हम देखते हैं, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, द चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इसमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है कि एक चेंज जो लार्वा, जैसे फ्रॉग का अपन एग्जांपल लेते हैं, तो फ्रॉग जो होता है लार्वल स्टेज से एडल्ट तक जो आता है ना उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, क्लियर है। इसके बाद फिर आगे हम देखेंगे, डिस्क्राइब द चेंजेस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे कौन कौन से चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं ये हमको डिस्क्राइब करना है। प्यूबर्टी हमको पता है क्या होता है, प्यूबर्टी वो स्टेज होता है जिसमें क्या होता है, पीरियड होता है बोल सकते हैं, वो पीरियड होता है जिसमें कि क्या होता है, गर्ल्स हैं या फिर बॉयज हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव तरीके से क्या होते हैं, एकदम मैच्योर हो जाते हैं ना रिप्रोडक्शन के लिए, उसको क्या बोला जाता है, प्यूबर्टी बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ चेंजेस टू योर बॉडी, क्या क्या चेंजेस होता है ये हमको देखना है ना। तो पहला इसमें क्या दिया है, यूअर जेनेटियल विल गेट बिगर, इसमें क्या होता है, हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, जैसे बच्चों का रिप्रोडक्टिव पार्ट जिस साइज का होता है ना उससे वो जब प्यूबर्टी का स्टेज होता है तो उसमें वो उससे बड़ा हो जाता है। समझ आया, अब बड़ा इन द सेंस एकदम ऐसा बड़ा नहीं ना कि बहुत ज्यादा हो गया, एक प्रॉपर जो उसका ग्रोथ होता है उतना हो जाता है ना। देन इसके बाद सेकेंड दिया है, इन पीपल विद अ वेजाइना द ब्रेस्ट विल ग्रो एंड योर वेजाइना यूटेरस एंड फेलोपियन ट्यूब्स विल डेवलप। इसमें क्या होता है, वेजाइना रहता है या ब्रेस्ट रहता है उन सब में क्या होता है, डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके ही साथ हमको क्या देखने को मिलता है, यूटेरस जो है और फेलोपियन ट्यूब है इन सब में भी हमको ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक है। इन पीपल विथ अ पेनिस द पेनिस एंड टेस्टिस विल गेट बिगर। अब इसमें क्या बोल रहे हैं हम कि गर्ल्स में क्या होता है, वेजाइना जो होता है वो ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना, ब्रेस्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा इसमें क्या होता है, बॉयज में जो पेनिस हो गया या फिर टेस्टिस हो गया उनका साइज जो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। बड़ा इन द सेंस क्या, जो प्रॉपर शेप होता है उसमें आ जाता है। वैसे ही गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट जो का साइज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। वैसे ही वेजाइना वगैरह जो है वो डेवलप हो जाएगा, और बॉयज में क्या होगा, उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे कि हो गया क्या, पेनिस या फिर तुम्हारा टेस्टिस, वो क्या हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा।
क्लियर है क्या चेंजेस देखने को मिलता है और क्या होता है, प्यूबिक एरिया जो रहता है उसमें हेयर्स ग्रो होने लगते हैं, ठीक है। बॉयज के चेस्ट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, और ज्यादा चौड़े हो जाते हैं, ठीक है, वाइटर हो जाते हैं। इसके बाद ही और क्या होता है, हमको देखने को मिलता है कि जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होता है बॉयज में, तो बॉयज की आवाज क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है ना, और गर्ल्स की क्या हो जाती है, पतली हो जाती है आवाज। तो ये सब हमको क्या होता है, प्यूबर्टी के स्टेज में चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, डिस्क्राइब द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन ह्यूमंस। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेक्सुअल कैरेक्टर पढ़ रहे थे। सेक्सुअल कैरेक्टर में हमने जाना कि बॉयज या गर्ल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। उनका जो बॉडी का पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में यूज होता है वो सब क्या होते हैं, प्रॉपर ग्रोथ कर लेते हैं। तो इसमें अब हमको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या क्या देखना है, देखते हैं आंसर क्या दिया है इसमें। डिफरेंसेस इन साइज बिटवीन सेक्सेस आर आल्सो कंसिडर्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन ह्यूमंस। विजिबल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड प्यूबिक हेयर इन लार्ज ब्रेस्ट एंड वाइडेड हिप्स ऑफ फीमेल्स एंड फेशियल हेयर एंड एडम्स एप्पल ऑन मेल्स। इसमें क्या बोला गया है देखो, ये जो है हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है देखने को मिलता है बॉयज या फिर गर्ल्स में, तो इसमें क्या होता है, साइज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि ह्यूमंस की बात हम करें तो इसमें विजिबल जो जो दिखता है वो वाला सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, प्यूबिक हेयर। मैंने अभी बताया कि प्यूबिक हेयर क्या होता है, गर्ल्स और बॉयज में क्या हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है। वैसे ही इनलार्ज ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का साइज जो होता है वो गर्ल्स में प्रॉपर शेप ले लेता है, क्लियर है। वैसे ही वाइडेड हिप्स, मतलब क्या होता है, गर्ल्स का जो हिप्स होता है वो क्या कर लेता है, ग्रो कर लेता है। वैसे ही बॉयज की अगर अपन बात करें तो उसमें बॉयज में क्या होता है, फेशियल हेयर, मतलब कि बियर्ड वगैरह आने लग जाता है। एडम्स एप्पल का साइज क्या होता है, उनका बढ़ जाता है ना। तो ये सब चीज क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, क्लियर है। देन इसके बाद आगे हम देखेंगे, डिस्क्राइब द सेक्स डिटर्मिनेशन। मैंने आप लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में अभी बताया था, है ना। मैंने क्या बोला था कि मेल में कौन कौन सा क्रोमोजोम होता है, एक्स और वाई, और फीमेल में कौन सा क्रोमोजोम होता है, फीमेल में कौन सा क्रोमोजोम होता है, एक्स और एक्स, है ना। तो इसमें हम देखते हैं, इन साइड द फर्टिलाइज एग जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। दिस इंस्ट्रक्शन is present in the thread like structure called chromosome. All humans being have 23 pair of chromosome in the nuclei of their cells. Two chromosomes of there are the sex chromosome. देखो इसमें क्या बताया गया है, देखना, 23 pair of chromosome होता है male और मतलब ह्यूमंस में, ठीक है, ह्यूमंस की बात करते हैं डायरेक्ट। तो ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि बॉय की अपन बात किए थे अभी कि क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, और गर्ल्स में क्या होता है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम में होता है ना। जब दोनों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, तो क्या होता है, इसमें जो बॉय का मान लो आया वाई क्रोमोसोम और गर्ल्स का आया एक्स क्रोमोसोम, है ना, तो क्या बन गया, ये एक्स और वाई बन गया, मतलब कि बेबी जो होगा वो क्या होगा, बॉय होगा। वैसे ही मान लो अगर फीमेल का आया क्या, फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होता है, गर्ल में होता है एक्स क्रोमोसोम, और बॉय में होता है क्या, बॉय में होता है वाई क्रोमोसोम। जब दोनों का क्रोमोसोम जो है मिलता है ना, एक्स और वाई क्रोमोसोम जब मिलता है, सॉरी यार ये बॉय का तो मैं बता दी थी, ये एक्स एक्स है ना। मान लो गर्ल में, गर्ल का आया एक्स क्रोमोसोम, बॉय का आया एक्स क्रोमोसोम, तो क्या बनेंगे, एक्स एक्स, मतलब कि गर्ल बेबी बनेगी, है ना। तो इसी तरीके से सेक्स को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। अब देखते हैं आंसर में क्या लिखा है, जब फर्टिलाइज एग से क्या होता है, जाइगोट बनता है ना, तो उस टाइम पे अपन सेक्स डिटरमिनेशन कर सकते हैं। इसमें हमको पता चलता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कैसा स्ट्रक्चर, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। जाइगोट में ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम की क्वांटिटी कितनी होती है, 23 के पेयर में देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से क्रोमोसोम के थ्रू हम क्या करते हैं, हम लोग पहले भी एमसीक्यू वाले आंसर में
एमसीक्यू जो दिया था उसमें हम लोग ये भी पढ़े थे कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन काम आता है, तो कौन आता है बेटा, क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है? डिस्क्राइब द एंडोक्राइन हार्मोन। अब इसमें हमको एंडोक्राइन हार्मोन को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है कौन कौन सा एंडोक्राइन हार्मोन होता है ना। तो इसमें हमारा पहला होता है, हम देखते हैं क्या दिया है आंसर, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर फंक्शन इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम, सम हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें देखो क्या बताया जा रहा है कि कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं है ना, जो कि फंक्शन क्या करते हैं, शो कराते हैं। फंक्शन जो शो करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, सबको एक साथ एंडोक्राइन सिस्टम बोला जाता है। क्लियर है? अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ये क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड होता है ना, जिसमें कि क्या होता है, कुछ हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। जैसे कि पहला देखते हैं टेस्टोस्टेरॉन, इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। टेस्टोस्टेरॉन मतलब कि ये कहाँ से रिलीज होगा, टेस्टिस से रिलीज होगा, और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। क्लियर है? वैसे ही क्या है, फीमेल में है एस्ट्रोजन, ये सॉरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वो कहाँ से रिलीज होगा, ओवरी से। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता है, ओवरी से। वैसे ही एड्रेनिलिन मतलब कहाँ से रिलीज होगा, मैं पहले भी बताई थी, एड्रेमिन एड्रेनिलिन हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होगा है ना। वैसे ही है इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ से रिलीज होगा, पैंक्रियास से। और यही ना ग्लूकोज के क्वांटिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है, इंसुलिन। क्लियर है? तो हमको पता चल गया कि क्या होता है, एंडोक्राइन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, एड्रेनिलिन हो गया, इंसुलिन हो गया। क्लियर है इतना? अब इसके बाद देखिए सारा सेक्स डिटर्मिनेशन अपने को क्लियर हो गया है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्लियर हो गया, चेंजेस एट प्यूबर्टी क्लियर हो गया है ना। तो इस तरीके से हमको सारा कुछ क्लियर हो गया। अगर मान लो मेरी कोई बात समझ नहीं आई होगी है ना, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे कोचिंग और हमारे वीडियोस को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने क्या कर सके, प्रेजेंट कर सके। ओके, थैंक यू, बाय।